के, राम नरेश जी नगर अध्यक्ष हैं ऑटो रिक्शा यूनियन लखनऊ के, और अनवर अली जी नगर अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ लखनऊ शिवसेना के, अमन प्रजापति जी ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं लखनऊ पश्चिम शिवसेना के, तो इन सब का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है। मैं इस अवसर पर अपनी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए निवेदन करूंगा भाई अनूप पांडे जी से, जो पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी के विलय का आज उन्होंने निर्णय लिया है उसके बारे में अपने विचार रखेंगे श्री अनूप पांडे जी। पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। संजय भैया, दिलीप भैया, हुसैन वहीद साहब, दीपक जी, दिलीप भगवान साहब, सारे मेरे साथी, मेरे भाई, भारत का पूर्वी छोर पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरब के लोगों का दंश, गरीबी, बेवसी, लाचारी, पलायन के चलते हम लोगों ने एक संघर्ष शुरू किया था कि दो वक्त की रोटी नसीब हो पूर्विया लोगों को, जो अपना घर परिवार छोड़ करके दूर दराज काम करते हैं। कोरोना काल ने रुला दिया देख करके उनके पैरों के छाले, उनके मस्तक पर जो पसीने की लकीर, टीवी पे जब हम लोग देखते थे घरों में कैद होके, तो आंख से आंसू गिरता था। कौन पूछ रहा है उन लोगों को जिनका कोई नहीं है। सत्ता में लोग आते हैं, सत्ता ऐसे चलती रहती है, आज सत्ता मैली हो गई, आज धुलने की जरूरत है। जब संजय भाई का मैं संघर्ष देखता था, दिलीप भाई का संघर्ष देखता था, आदरणीय केजरीवाल जी को संघर्ष देखता था, तो मैं सोचता था कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई आगे संघर्ष कर इस भारत को बचाने का अभियान चलाया है तो हम लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। यही सोच करके हमने कहा कि नहीं, अब आम आदमी की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, अब कोई रास्ता इस देश में नहीं बचा है। देश के नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान देने के लिए, खेत किसान मजदूरों की बात करने के लिए, अबला महिलाओं को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, वो आम आदमी का रास्ता है। मैं बहुत खुश हूँ, अंदर की दिल की गहराइयों से अभिभूत हूँ कि अब हमें वो मुकाम मिलेगा जिस रास्ते को लेकर के हम लोग चल रहे थे कि गरीबों के आंसू को पोंछा जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, आम आदमी पार्टी पूर्विया लोगों का ख्याल जो दिल्ली में कर रही है, मुझे आशा है ये पूरब में भी करेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी करेगी, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, बस्ती, जो परेशानियां हैं उसका निदान संघर्ष के द्वारा हम लोग करके एक मुकाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी हुसैन वहीद साहब, जो जनता दल यूनाइटेड के युवा शाखा के अध्यक्ष रहे हैं और एएमयू के अध्यक्ष रहे हैं, एचएमकेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। हुसैन भाई साहब, धन्यवाद। हमारे साथी और अभिनेता संजय सिंह जी, दिलीप पांडे जी, अनूप पांडे जी, जो इन्होंने आज अपनी पार्टी का विलय किया है पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी, और सब साथी, आज जो देश के अंदर परिस्थिति है और उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर, उसमें बड़ा संकट का माहौल नजर आता है, और ओपोजिशन को जो डेमोक्रेसी में रोल प्ले करना चाहिए उसमें जो वैक्यूम था उसे भरने का काम किस तरह संजय सिंह जी ने पहल की है उत्तर प्रदेश के अंदर इनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने, वो एक तस्वीर है संघर्ष और रचनात्मक राजनीति की, और जिसके पीछे पृष्ठभूमि है दिल्ली सरकार का, जो दिल्ली का जो मॉडल है जो उसने करके दिखाया है, खासकर शिक्षा के, स्वास्थ्य के एरिया में और बिजली पानी का। आज उत्तर प्रदेश में बिजली का भी बड़ा संकट है, बिजली के बिल का, और बहुत बड़ी समस्या पूरे पॉपुलेशन के सामने है, उसको जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वहां करके दिखाया है, तो नौजवानों में खासकर उत्तर प्रदेश के और एक बहुत बड़े सेक्शन में जो आज जो राजनीति चल रही है उसे अप्रूव नहीं करता, उसको बड़ी उम्मीद थी कि कोई ऐसा उसको पूरा करने, उन उम्मीदों को पूरा करने का काम संजय सिंह जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी करेगी, इसी के लिए हम लोग शामिल हुए हैं। मैंने तो अपनी राजनीति जनता दल से शुरू की थी जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के साथ, हम लोगों ने फिर समता पार्टी बनाई थी जो आज जदयू है,
और वैचारिक मतभेदों के बाद जॉर्ज से जब मैंने उसे छोड़ा पार्टी को, उनकी उसके बाद लगातार नीतीश जी भी अब तक भी कहते रहे और दूसरे साथियों से भी वो रहा, लेकिन मुझे किसी की पार्टी में जाना अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं था, कबूल नहीं हो रहा था। लेकिन संजय सिंह जी की शख्सियत में वो पूरी चीज़ें नजर आती हैं, जो संघर्ष की राजनीति खासकर समाजवादी मूल्यों के ऊपर करने का जो काम ये कर रहे हैं, और साथ में रचनात्मक जो उसका परिरूप है उसके लिए हम लोग साथ जुड़े हैं, और उम्मीद है कि ये संघर्ष अब हम लोग से बढ़ाएंगे प्रदेश के अंदर। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संतोष दुबे जी जो प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता है शिवसेना के, वो अपने विचार रखेंगे। संतोष दुबे जी। धन्यवाद माननीय संजय सिंह जी, अनुप पांडे जी, हिमाचल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अनुप पांडे जी, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाहिद हुसैन जी। हम सभी लोग बहुत दिन से, जब आदरणीय संजय सिंह जी ने पीछे दो महीनों से जब यहाँ संघर्ष की शुरुआत की, तो इनके जो अंदाज था उस अंदाज को देखकर हम लोगों को नौजवानों में लोग ये चर्चा होती थी कि क्यों ना हम लोग जो है आप पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ अवसर है काम करने का नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। और जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़कर कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया, ऐसे हिमाकत शायद यहाँ कोई विपक्षी दल करता, और इन्होंने आगे बढ़कर उस सरकार को घेरा और घेर के मजबूर कर दिया कि आपको तो यहाँ जवाब देना ही पड़ेगा, यहाँ जवाब हम लेके रहेंगे। इस तरीके की जो बात थी उससे जो है प्रभावित होकर हम सभी लोगों ने तय किया कि हर हाल में हम लोग आप पार्टी को ज्वाइन करेंगे और संजय सिंह जी के नेतृत्व में काम करेंगे, और इस आप आज